In this video lecture, I will explain you question number 1 of exercise 3.1. The question is, how will you describe the position of a table lamp on your study table to another person? Now suppose that this is a study table, this is our study table, and point P is representing the table lamp. ठीक है. Now the upper portion of the study table is in the form of rectangle. So suppose this is the longer edge and this one is the shorter edge. Now this shorter edge over here, we are considering this as x axis, and this longer edge over here, we are considering this as y axis. ठीक है. तो सबसे पहले हमें क्या करना, एंड सपोज पर्सन इज स्टैंडिंग ओवर हियर, यहाँ पर ये खड़ा है, यहाँ से वो देख के इसकी पोजिशन को वो क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा. नाउ सो दिस इज द टेबल लैम्प ओवर हियर. सो फर्स्ट ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन लॉन्गर एज एज वेल एज परपेंडिकुलर ऑन शॉर्टर एज. फर्स्ट यू हैव ड्रॉन परपेंडिकुलर. नाउ आफ्टर ड्रॉइंग परपेंडिकुलर वॉट यू विल डू, नाउ मेजर द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर. तो सपोज अगर इसको मेजर करने पे ये कितना आ रहा है, दिस इज 10 सेंटीमीटर, एंड ऑन मेजरिंग दिस वन यू आर गेटिंग हाउ मच, 30 सेंटीमीटर. नाउ यू नो वेरी वेल दैट पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर वेयर एक्स कोऑर्डिनेट इज रिटन फर्स्ट एंड आफ्टर दैट इट इज फॉलोड बाय वाई कोऑर्डिनेट. तो देखो नाउ व्हाट विल बी द एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू हाउ मच, 10 सेंटीमीटर. देखो मैंने आपको डेफिनेशन ही बताया था. व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट इज परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन वाई एक्सिस. तो देखो ये परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पर ड्रॉ किया गया है, मेजर्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस. तो देखो ये भी यहाँ पर कितना है, 10 ही है. सो ओवर हियर एक्स इज 10 एंड वाई, व्हाट इज वाई कोऑर्डिनेट, वाई इज हाउ मच, वाई इज 30. लाइक दिस. सो इन दिस वे वी कैन डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प टू अनदर पर्सन. इस तरह से आई बात समझ में. सो यहाँ आंसर लिख दो, दैट फर्स्ट राइट सॉल्यूशन, राइट सपोज पी इज द टेबल लैम्प, सपोज पी इज अ टेबल लैम्प, सो पोजिशन ऑफ टेबल लैम्प इज पी 10, 30. ओके प्लीज नोट इट डाउन.